अब WHO ये कहता है कि कोई भी पुरुष जिसका स्पर्म काउंट 15 मिलियन पर ML है वो प्रेगनेंसी करने के लिए काफ़ी है। अब यदि किसी का काउंट इससे बहुत कम है, मॉर्फोलॉजी खराब है या मोर्टेलिटी कम है, तो कुछ हद तक इसका कभी कभी समटाइम्स वी आर एबल टू आइडेंटिफाई अ रीजन। हर्बल चीज़ें होती हैं, अश्वगंधा, ये सब हेल्प करती है। कौन कितना हेल्प करेगा इसको क्वांटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है, पर जब पुरुषों में स्पर्म काउंट कम हो जाए तो उसे बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? नेहा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। जब हम MBBS स्टूडेंट्स थे एंड व्हेन वी वर टॉट द टिपिकल स्पर्म काउंट्स, वी वर टॉट दैट स्पर्म्स एनीवेयर बिटवीन 50 मिलियन टू 160 मिलियन पर ML ये ठीक स्पर्म काउंट होता है। धीरे 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 ओवर द इयर्स ये बेंचमार्क 20 मिलियन पे आया और पिछले कुछ 5-7 सालों से ये अब 15 मिलियन पे आ गया। तो अब WHO ये कहता है कि कोई भी पुरुष जिसका स्पर्म काउंट 15 मिलियन पर ML है वो प्रेगनेंसी करने के लिए काफ़ी है। सो वर्ल्ड वाइड देर इज़ बीन अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द मेल स्पर्म काउंट। हालांकि 15 मिलियन से ऊपर काउंट यदि है तो, और आपका फीमेल पार्टनर नॉर्मल है, तो प्रेगनेंसी हो सकती है। तो काउंट का ये बेंचमार्क है। मोर्टेलिटी पहले ज़्यादा बोली जाती थी, अब 32% एक्टिव मोटाइल स्पर्म यदि रहे, और क्रूगर्स एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है उसके अनुसार अगर 4% से ऊपर स्पर्म मॉर्फोलॉजी नॉर्मल है तो ये प्रेगनेंसी करने के लिए काफ़ी है। ये आज का सिनेरियो है, विद टाइम दिस मे चेंज, बट एज फॉर नाउ दिस इज व्हाट द WHO सेज इज़ अ नॉर्मल स्पर्म काउंट। अब यदि किसी का काउंट इससे बहुत कम है, मॉर्फोलॉजी खराब है या मोर्टेलिटी कम है, तो कुछ हद तक इसका कभी कभी समटाइम्स वी आर एबल टू आइडेंटिफाई अ रीज़न। कई बार स्पर्म में इन्फेक्शन होती है तो सीमन कल्चर होते हैं, स्पर्म अग्लूटिनेट हो रहे होते हैं, एंटीबॉडीज बन रही होती हैं, तो उसको एनालाइज करके ट्रीट किया जा सकता है। या ओकेजनली देयर मे बी अ हार्मोनल इन्फ्लुएंस, FSH-LH लेवल्स इन द मेल में भी एबनॉर्मल, टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स एबनॉर्मल हो सकते हैं, प्रोलैक्टिन लेवल्स एबनॉर्मल हो सकते हैं। डायबिटिक लोगों में शुगर्स कंट्रोल करने से कई बार सीमन फैक्टर्स भी इम्प्रूव होते हैं। तो ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे चीज़ें मॉडिफाई हो सकती हैं। कुछ मेडिकेशन होती है स्पेशली जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत रोल होता है, क्योंकि जो स्पर्म डैमेज या स्पर्म क्वालिटी या काउंट्स में डिक्लाइन है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न माना जाता है रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस टू द स्पर्म। तो यदि वो स्ट्रेस डिक्लाइन किया जाए कुछ हद तक लाइफस्टाइल से, जैसे हमने कहा अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब चीज़ें हटा दी जाएं, डाइटरी इम्प्रूवमेंट करें, रीजनेबली हाई प्रोटीन डाइट, डाइट विच इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ फ्रेश फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, बेरीज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सैलड्स, वाटर इनटेक बढ़ाई जाए, लूज अंडरवेयर, अगर कहीं काम पे आपको कोई केमिकल्स दैट में हार्म द स्पर्म काउंट वो एक्सपोजर है उसको हटा लिया जाए, तो इससे ऑटो रिवर्सल खुद ही शुरू हो जाएगा। इसके अलावा दवाइयाँ अवेलेबल हैं, हर्बल चीज़ें होती हैं, अश्वगंधा, ये सब हेल्प करती है। कौन कितना हेल्प करेगा इसको क्वांटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है, पर ये ज़रूर है कि एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेडिकली, अब वो मेन स्टे बन गए हैं इस ट्रीटमेंट के। फिर सेकेंड लाइन कई बारी ड्रग्स होती हैं, क्लोमिफिन, जो कुछ हद तक काउंट्स को एनहांस कर सकती हैं। गोनाडोट्रोपिन्स होते हैं जो बॉडी के नॉर्मल हार्मोन्स होते हैं, FSH-LH, उनको थोड़ा सा पिकअप करवा के, बट ये फिर इनके प्रोज और कॉन्स होते हैं, दे लाइक अ डबल एजेड स्वॉर्ड। ओवर ट्रीटमेंट कैन बी हार्मफुल, अंडर ट्रीटमेंट कैन गिव सब ऑप्टिमल रिजल्ट्स। इसी तरह से टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है दवा या इंजेक्शन के थ्रू। प्रोलैक्टिन लेवल्स को सेटल किया जा सकता है, प्रोलैक्टिन लेवल बहुत रेज्ड होने से लिबिडो कम हो जाती है, तो जिन लोगों को इजैकुलेटरी डिसफंक्शन है या लगता है कि दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म, सो उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली दिस टेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। विटामिन डी लेवल्स, B12 लेवल्स, जिंक का बड़ा रोल माना जाता है, सिलिनियम का माना जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें, एक जो हेल्दी नॉर्मल इंडियन डाइट है अगर आप उसके सारे कॉम्पोनेंट्स को अपनी डाइट में यूज़ कर रहे हैं इन अ जुडिशियस मैनर
एंड बाहर का जंक फूड अवॉइड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स वाला खाना अवॉइड कर रहे हैं, तो यू विल समवॉट आप अपने स्पर्म काउंट्स को काफ़ी हद तक एनहेंस कर सकते हैं।